सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अभी शेख की बावली। इस बाबा के बारे में आपने सुना ही होगा कि लोगों ने पानी नहीं दिया था, वो इस जगह पे आके उन्होंने तीन जगह पे डंडा मार के पानी निकाला था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहम्मद मुस्तफ़ा बारासगर। सो दोस्तों, अपने भाई का भी नाम जान लो, मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रतन शाहपीर घूमने के लिए। सो गाइस, इस ब्लॉग में बने रहें और आपको हर एक जगह की मैं वीडियोस दिखाऊंगा। आप यहाँ का लुक देख सकते हैं, जहाँ पर इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, यहाँ का लुक इतना अच्छा है। जहाँ पे इस वक्त मैं खड़े होकर शूट कर रहा हूँ, इस जगह का नाम है थाना मंडी, और थाना मंडी के ऊपर आके एक पहाड़ी है, उसके ऊपर आके ये अपना इंट्रोडक्शन शूट कर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधा ऊपर के लिए। बीच का रास्ता थोड़ा ख़राब है, उसमें हम वीडियोज़ नहीं शूट कर पाएंगे। सीधा रतन शाहपीर जाके वहाँ पे हम आधी वीडियो पूरी शूट करना वहाँ से शुरू करेंगे। गाइस, हमारे ब्लॉग को देखते रहे और मेरे ब्लॉग को एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा वीडियो कैसी लगी। मैं पहुंच चुका हूं अभी शेख की बावली। इस बाबा के बारे में आपने सुना ही होगा कि लोगों ने जब पानी मांगा था बाबा ने, कि लोगों ने पानी नहीं दिया था, वो इस जगह पे आके उन्होंने तीन जगह पे डंडा मार के पानी निकाला था। एक जगह से आया था दूध, एक जगह से आया था खून, एक जगह से आया था पानी। आज भी दो खून और दूध बंद हो चुका है यहाँ से, खाली यहाँ से पानी निकलता है। और ये पानी इतना साफ है कि किसी को भी अगर कोई दुख हो या कोई लगी हाथ में कोई दर्द है, यहाँ का पानी पीने से वो जगह ठीक हो जाती है। तो गाइस, मेरे को इतनी जानकारी थी जो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा भी है, मैं आपको ये सब दिखा देता हूँ, जिसको बनना आता है वो। नीचे वाली साइड से भी आते हैं, जाते टाइम मैं आपको रास्ता कवर करके दिखा दूंगा शॉर्ट में। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे बैठ के पानी पी लिया हमने। हमारा एक बंदा ऊपर के लिए चला गया, इसलिए हम भी ऊपर के लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकते। हमको शाम होने से पहले वापस भी जाना है, तो मैं ऊपर जाके आपको मैं करूँगा। फिलहाल आप यहाँ का साइड कर दूँ। चुप चलते हैं ऊपर के लिए। एक वो ऊपर खड़ा हुआ है, वो भी खड़ा खड़ा थक गया, तो चलते हैं ऊपर के लिए। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ इतना ऊपर कि नीचे से ऊपर तक की चढ़ाई बहुत है। यहाँ से एक बार जो नीचे गिरता उसका वापस आना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ से लुक इतना अच्छा आ रहा, क्या बताऊँ। अभी हमें जाना है यहाँ से बहुत ऊपर, तो चलते हैं ऊपर के लिए, फिर बनाते हैं। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ इतनी ऊपर कि नीचे इतनी गहराई है, अगर मैं यहाँ से नीचे गया तो दोबारा वापस आना मेरा मुश्किल है, तो नीचे मैं जाऊँगा नहीं। अभी हमें इतनी ऊपर जाना है कि टांग टूट के चार हो जाएगी। दिल कर रहा रात को उधर टेंट लगा के रुके, पर टेंट वहाँ लगा के रुक नहीं सकते हम, क्योंकि हमें शाम होने से पहले वापस भी होना है। क्योंकि यहाँ जैसी शाम हो जाती है, यहाँ पे शेर निकलते हैं, और शेर का इंसान बहुत टेस्टी खुराक होता है, हम उनका खुराक नहीं बनना चाहते। मैं जा रहा हूँ सीधा ऊपर के लिए। ये दो भाई आए हैं साथ में, जो खुद करे बगैर रुकते नहीं है, जो रास्ते में जो चीज़ मिली उसके साथ इन्होंने खुद करना ही करना है। तो अभी मैं थक चुका हूँ, कहीं बैठ के रेस्ट करते हैं, फिर आगे के लिए मैं ऊपर से शुरू करूँगा। तो आपको बैक साइड का लुक इतना अच्छा आ रहा है, वहाँ का लुक भी दिखाता हूँ पहले आपको।
यासू के नीचे क्या बचेगा? जाएगा नहीं बचेगा? बच जाएगा वो। कैसे? झंडे झुंडे ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा वो। जाएगा अगर तेजी, अगर प्लान न कहो ना फिर वो मर जाएगा। अगर जहाँ से हम पहले आए वहाँ से अगर नीचे गया तो बचना मुश्किल है। यहाँ से क्या बचना मुश्किल है? यहाँ से क्या है, झंडा कंडे है ना, माँ बाप को हड्डी भी नहीं मिलेगी। कंडे में बंदा फंसते फंसते जाएगा आराम से नीचे जाके फंसे। तब तक तो उसकी मौत ही हो जाएगी कंडो में ही। नहीं कंडो शंडो में क्या मौत होगी, कांटा पैर में चढ़ता मर जाता है तू। अबे एक छोटा सा कांटा पैर पे लग जाए जान निकल जाती, क्या बात कर रहा है। जान ना जाए बस इतना, टांग हाथ टूट जाए वो चलेगा। हाँ टांग हाथ टूट जाए जिंदगी भर फिर क्या लगड़ा बन के रहना भाई, भूखे मर जाएंगे भाई। आधा खाना बैग में, आधा इसके हाथ में और मेरे हाथ में ट्राइपॉड। घर देख चुके आप? 1 मिलियन सब्सक्राइब कर दो भाई का। भाई की डिमांड आई है 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने की भाई, जल्दी जल्दी 1 मिलियन कर दो। एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भाई की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। और हम जा रहे हैं इस वक्त ऋतुशा, अगर आपने इस वीडियो को 1 मिलियन कर दिया फिर हम आपको अगले वीडियो में सुख सर के बारे में बताएंगे, फिर डायर के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए हम अपने साथ बैट बॉल सारा भी ले जा रहे हैं, वहाँ पे मैच खेलेंगे। चलते हैं, चलते हैं सीधा ऊपर के लिए। यहाँ पे रास्ता ऐसा होता है, यहाँ से बाइक भी चली जाती है लेकिन बाइक को लाने के लिए रास्ते में रास्ता खराब हो गया, अब यहाँ से बाइक आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पहले पैदल चलते थे और अभी पैदल ही चलना पड़ता है। ये देखो गाइस, जैसे कि अभी हम पहुँच गए हैं देशीमाड़, इस एरिया का नाम है, तो आप पहाड़ वाला लुक देख सकते हो कितना प्यारा है। फिलहाल के लिए हम उस पहाड़ के पीछे जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, ज्यादातर नया शहर चढ़ेंगे, खाना शाना खाएंगे, उधर बैट बॉल खेलेंगे थोड़ी देर, वापस घर के लिए रवाना हो जाएंगे। गाइस यहाँ से गहराई देख सकते हैं कितनी नीचे है, अगर यहाँ से जो नीचे गया उसका तो मरना पक्का है। यहाँ से सही में पक्का मरना, इसकी हालत खराब हो गई ऊपर चढ़ते चढ़ते ही। मैं अभी भी फिट हूँ क्योंकि मैं इसने इतना सामान उठाया हुआ है फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम दोनों की हालत खराब है क्योंकि इसका रोज का काम है ऊपर नीचे होना, ये हर हफ्ते हर चार दिन पे घूमने जाते जाता है, इसका काम है घूमना, ये तो आता रहता है, इसको आदत पड़ी हुई। हम तो साल में या महीने में एक बार आते हैं, इसको आदत है। उस साइड मैंने सुना बर्फ पड़ चुकी है। गाइस अब यहाँ पे पहुंचे हम, यहाँ का लुक भी देख लिया आपने, अब चलते हैं सीधा ऊपर के लिए। चले भाइयों, चले चलो फिर। ओए सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रतनशाह पीर के पास पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से थोड़ा ही दूर है, उस लास्ट एंड के ऊपर है, आधे घंटे में वहाँ पहुंचेंगे। अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे सांस आधी आधी रुक रही है। यहाँ का जो लुक है इतना तगड़ा आ रहा है, पर फोन का कैमरा है थोड़ा क्वालिटी नहीं है इसकी साफ, इसलिए कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, इसका कोई पता नहीं, एडिटिंग में मैं ठीक कर दूंगा। अभी चलते ऊपर, यहाँ पे दुकान भी है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हैं, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अपने आप को ठंडा करते हैं। तो वो लोग ऊपर चले गए, मैं भी निकलता हूँ ऊपर के लिए। वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह जाऊँगा क्योंकि मुझे रास्ता पूरा पता नहीं है, मेरे कज़न ब्रदर्स को ही रास्ता पूरा मालूम है, मुझे एक भी रास्ता मालूम नहीं है यहाँ से, मैं इन्हीं के पीछे फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। तो गाइस सीधा मैं रतनशाह पीर बाबा के पास पहुँच के खाता हूँ, फिलहाल मैं वीडियो को कर देता हूँ बंद क्योंकि फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। गाइस पहुंच चुके हम, बस 10 मिनट का रास्ता आगे, और यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के जो घर है, यहाँ पे दुकानें भी हैं, 3-4 दुकान है यहाँ पर, बाकी ये घर लोगों ने यहाँ पे टीन का घर इसलिए बनाया हुआ, जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है तो बहुत अच्छा, यहाँ पे लैंटर नहीं होता, जब बर्फ पड़ती है तो लैंटर नहीं होने की वजह से बर्फ इनके ऊपर पड़ के स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, ऊपर नहीं रुकता है। अगर लैंटर सीधा डाला हो तो बर्फ ऊपर रुक जाता है, फिर लैंटर नीचे गिर जाता है, गिरने का खतरा होता है। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा आगे के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इतना अच्छा लुक आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लोगों ने कितने अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं, जम्मू में भी इतने अच्छे घर आपको देखने नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे घर हैं। थोड़ा जल्दी चलते, दुकान खोली है, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो गाइस हम जब यहाँ पे जो घर बने हैं, यहाँ पे अभी तक लोग आए नहीं जहाँ पे रहते हैं जो, तो यहाँ पे दुकान भी नहीं है, पानी से काम चलाना पड़ेगा। बस हम पहुँचने वाले हैं, 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। हाँ
नीचे नीचे वो दो घर है ना, उसके ऊपर पहाड़ घास रखा हुआ है धीरे धीरे। उस पहाड़ के अंदर परी रहती है। कौन से? वो नहीं है काला ब्लैक कलर का पहाड़ हुआ है ये वाला कटिंग, उसके अंदर परी रहती है। इसके अंदर? किसने बोला? किसने बोला? पूरी दुनिया को पता है किसने बोला। दिखती है किसी को? हाँ, उसको बंद कर दिया हुआ, लोग बच्चे चले जाते हैं ना अंदर खेलते खेलते, इसलिए। एक और एक चले चले फिर आगे। दुकान तो बंद है। आप नजारा देख सकते हो यहाँ पे, घर कितने खतरनाक खतरनाक बने। अगर एक तीन घर एक साथ है लाइन में, कितने क्यूट है। चल फिर आगे के लिए चलते हैं। इसको क्या हुआ, ये घर गिर गया? ये गिरा नहीं है, अभी आधा बना है, बना के छोड़ दिया आधा। तो ये वही पहाड़ है जहाँ से ऊपर से टूट टूट के छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरते हैं, पर ये बहुत बड़े साइज में होते हैं। ये घर देखे एक तीन में कितने खतरा हुआ है। चार पांच मकान है एक साथ। गाइस चलते हैं आगे। वो पहला स्टार्ट होती है कहाँ से? कहाँ से? वो घर दिखा टीनो लो, वहाँ से स्टार्ट होती है। रहते 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 उधर से इधर इधर रहते रहते फिर इधर से पार ऐसे करते 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 फिर उधर उस मोहल्ले से फिर नीचे जाती है। चले फिर आगे के लिए। चले आगे चलो। इस घर का लुक देखो कितना तगड़े तरीके से बनाया हुआ इसको। गाइस ये बाहर से जितना क्यूट दिखता है अंदर से भी इतना ही क्यूट है। अंदर से भी खतरनाक होता है भाई। अंदर ऐसे जैसे कोई एमएलए का घर होता है। डिजाइन ये देखो, डिजाइन चादर की। हम वहाँ शीशे लगवाते हैं जम्मू में, बट यहाँ पे पेंट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो लोगों का दिमाग ही यहाँ इतना तेज है, पेंट करने की जरूरत है। ऊपर की देखो गाइस, ये देखो क्या डिजाइनिंग है यार। ओपी है भाई, ओपी है। उसमें देख अंदर पर्दा लगा हुआ भाई, ओपी है यार। इधर को सीढ़ियां देखना, काली टाइगर ने सीढ़ियां देखना पत्थरों की बना दी है। वाकई इधर देखो सीढ़ियां, हमारे उधर उनको सीढ़ी बनाने का पता नहीं चलता, इन्होंने पत्थरों से सीढ़ी बनाई हुई है ऊपर जाने के लिए। मानना पड़ेगा भाई यहाँ के लोगों को भी। हमें थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो गई है, आई थिंक यहाँ पे बारिश होने वाली है क्योंकि धूप ऐसी निकलती है। अभी बारिश तो हो के रहेगी क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ जहाँ बारिश ना हो। हमारा प्लान बन रहा है रतन चाह से सीधा सुखसर चले, बट वो मैदान देख रहे, छोटा सा मैदान है उधर, शेर रहता है, शेर और शेर नहीं। बस कर कम फेंक, जाना कभी अल्लाह तो वापस जिंदा आ गया, इस बात की शर्त है। उसके पास वो जंड दिख रहे हैं, उस जंड के अंदर रहते हैं। चलने फिर आगे के लिए। यहाँ की चढ़ाई इतनी तगड़ी है क्या बताऊं। जुकाम भी लग गया ऊपर चढ़ते चढ़ते, इधर इतनी ठंड है। देखो इतने थक चुके हैं, बैठते हैं दो मिनट। इसको तो रेस्ट ही नहीं मिलती है, इसको तो आदत है, पर हमें आदत नहीं है। बैठेगा टांगे सुस्त हो जाती है, बोलता टांगे सुस्त हो जाती है, हम पहले से सुस्त बने, टांगे सुस्त होके क्या कर लेगी। सो गाइस चलते आगे के लिए, नहीं तो ये जान नहीं छोड़ने वाला। लकड़ देकर रखा है, बोला चल चल चल। अपना प्लेयर भी एक उधर है बैठा हुआ है, एक इधर एक इधर, वो भी आ रहा है। उसके साथ में आगे के लिए निकलता हूँ, इसको आगे जाने देता हूँ। जल्दी आ जा। वाह ओए, लगता है तू ही फुटबॉल प्लेयर बनेगा। हमारी जान खाने के पास आ गए। गाइस अब आगे जो रोड है, प्लेन तो है लेकिन खुली भी बहुत है, खुली भी है, इसमें इतने बजरी है कि इस पे चलना मुश्किल है। बटे बटे ये देखो
चढ़ाई देखो पीछे, जनाजा निकल जाएगा हमारा। आपके लिए इतनी दूर आए हैं, प्लीज 1 मिलियन कर देना गाइस। व्लॉग बनाने के लिए मैं जम्मू से रजौरी, रजौरी से शात्री शरीफ, शात्री शरीफ से रतन शाह वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। बस आप सबको मैं यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जहाँ बहुत इस वीडियो इस जगह पे बहुत कम यूट्यूबर आए हैं। आई थिंक 9 के बराबर ही है, हो सकता आए हों, मैंने चेक नहीं किया हुआ है, बट उन्होंने अच्छे तरीके से दिखाया ना, दिखाया मैं आपको पूरी क्लियर तरीके से दिखाऊंगा। निकलते आगे के लिए, ओए आपको रास्ता दिखाता हूँ, रास्ता कितना अच्छा है यहाँ का, जम्मू से अच्छा रास्ता यहाँ का है गाइस। ये देखो चलते चलते इसको लकड़ करने का इतना मूड करता है ना, ये पेड़ कहीं से टूट के आया था और ये पागलों वाली हरकतें कर रहा है। देखो ये मेरे ऊपर गिराने पे तुला हुआ है, इन दोनों के अंदर इतनी लकड़ है ना, मिर्ची इतनी करते हैं। देखो गाइस ये गया नीचे, रुक गया गाय, नीचे घर आ गया, नीचे गिर जाता तो इन दोनों को मार पड़ती पड़ती, साथ मुझे भी पड़ जाती, इनसे पहले तो मैं भाग जाता यहाँ से। गाइस ये देखो इसने तो बैठ उठा ली, बोरा जो आएगा उसको मैं कूटूंगा। आगे एक और पेड़ पड़ा हुआ है, पर हम पत्थर रोड़ेंगे इसको, नहीं मैं रोड़ूंगा क्योंकि ये पूरा गोल है, ये एक बार स्टार्ट हुआ है इसमें आने लिए। तेरे लिए मुझसे गिफ्ट, ओ मेरे पर पत्थर नहीं गिराओ, ये ले गिफ्ट। फाइनली गाइस आज हम पहुंच चुके हैं, फाइनली गाइस पहुंच गए हैं हम, बस 10 मिनट और लगेंगे। गाइस यहाँ पे बहुत मेहनत करके लकड़ियाँ लाई जाती है, हाँ। ये देखो रास्ता, रास्ता देखो नाइस, रास्ता कैमरे में तो अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन चढ़ने वाले को पता चल रहा है यहाँ पे कैसे चढ़ रहे हैं। सबको पता है रेत और बजरी के ऊपर कभी इंसान फास्ट नहीं चल सकता, चाहे इंसान हो चाहे व्हीकल हो, कोई तेज नहीं चल सकता। ये खड़ी चढ़ाई है, कैमरे में दिख रहा होगा प्लेन लेकिन ये खड़ी चढ़ाई है। मेरा तो यहाँ पे आंखें बड़ी होने लग गई, हम इतनी दूर से आए हैं जहाँ पे वो धुंधला हो गया, धुंध पड़ी हुई है, उधर से हम चढ़ते चढ़ते आए, अभी हमको चढ़ते चढ़ते 4 घंटे हो चुके हैं, हमें चढ़ते चढ़ते यहाँ 4 घंटे हो गए हैं, 5वें घंटे पतला बन के जाएगा। अच्छा फिर मैं भी थोड़ा मोटा, मैं भी थोड़ा पतला होके ही घर जाऊंगा। ये देख लो आप खड़ी चढ़ाई गाइस, ये देखो हमारे दरबार निकाल लिया, एक ने तो बैट निकाल लिया। यहाँ से नीचे का लुक देखो कितना अच्छा है, गैस ये वो टीन वाले घर है जो मैं आपको दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पक्के मकान कम टीन वाले ज्यादा होते हैं। सो गाइस बस हम पहुंच ही गए हैं, 2 मिनट और लगेंगे हम पहुंच जाएंगे, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड लुक कितना तगड़ा है, तो चलते हैं ऊपर के लिए। सो गाइस ये देखो कहाँ चढ़ के बैठा हुआ है, नीचे से पूरा ब्लैक आ रहा है, ऊपर चढ़ते हैं, पूरा ब्लैक आ रहा है नीचे से, ये देखो कहाँ चढ़ गया। मैं भी शॉर्टकट रास्ता लेता हूँ, इतना कौन घूमेगा। गाइस लुक कितना अच्छा है, गाइस ये आ गया बहुत अच्छा रास्ता, सो गाइस बस फाइनली पहुंच ही गए, थोड़ा सा रास्ता रह गया, 2 मिनट यहाँ रेस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर लिया। बहुत ही अच्छी बैटिंग करता हूँ, शॉट है भाई। लोग ज्यादातर खेलने के लिए आते हैं। शॉट है भाई तेरी, शॉट है। अभी और देख रहा है कुछ? और दिखा दे, नीचे टपा दे बॉल, बस एक ओ चौदी बॉल नीचे। देखो गाइस वो जा रही है बॉल नीचे के लिए, अब जाएगा ये लेने के लिए। गो हमेशा मुझे आदत है, जब इधर बॉल मिस होने लगेगी ना मैं ऐसे शॉट मार दूंगा। शॉट मारा तो लेके भी आ, वैसे बैक साइड लेके चलो बॉल लेके। और छोड़ रहे हैं, हां छोड़ रहे हैं, मैच खेलना है हमें। लगा ये जा रहा बॉल, इसने नीचे फेंक दी, वो नीचे नीचे वाले घर के पास इसने बॉल टपा दी है, इस घर के पास बॉल को टपा गया। अब गया ये लाने के लिए, हम कैरी कर रहे जाने के लिए, हम निकलते ऊपर के लिए, आ जाएगा इसको पूरा रास्ता मालूम है, तो चलते हैं अब ऊपर। इसने बैग उठा लिया, चलो बैट उठा ले, टिफिन तो उठा ले, टिफिन मैं ले लेता हूँ। सो गाइज ये वही अकेली एक जगह है जहाँ पे प्लेन इलाका है, बाकी यहाँ पे कोई प्लेन इलाका नहीं है। गाइज ये तो कहाँ पहुँच गया, वो बहुत नीचे चले गई बॉल, वो गया लाने के लिए। अब यहाँ का लुक देखो कितना तगड़ा आ रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। चलते हैं सीधा ऊपर, मुझे लग तो रहा है बारिश होगी, चलते हैं ऊपर के लिए। सामान उठा लो, हाय हाथ बहुत थकता है, इधर जान निकल जाती है चढ़ते चढ़ते। अरे वाह गाइस, ये सब कुछ मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, वीडियो बना के आप सबको अच्छी से अच्छी जगह दिखाना, आपका एंटरटेनमेंट करना, मेरी ड्यूटी है आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाना, आपको एंटरटेनमेंट करना अच्छे तरीके से। तो गाइस अभी यहाँ से वीडियो को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे एक और प्लेन इलाका आ गया, ये देखो गाइस यहाँ पे एक और प्लेन इलाका है, मुझे तो पता ही नहीं था। गाइस यहाँ पे तो और भी प्लेन इलाका है एक, ये देखो चश्मा उतार देता हूँ, आप देख सकते हैं गाइस, देखो गाइस यहाँ पे तो बहुत बेहतरीन है गाइस, उधर मुहाड़े बोलते हैं, उधर उधर तो धर्राटे काट रहे हैं, उधर वो उस इलाके को मुहाड़े बोलते हैं, मुहाड़े माड़ा जो भी मुहाड़े जो भी बोलते हैं गाइस। उधर मैदान भी एक बड़ा खेलने का डैर उसको बोलते हैं, उधर डैर भी खेलेगा मैच। मैं क्या बोलूं, इधर आके तो मेरा मुंह बंद हो गया, कुछ भी बोलो। लुक देखो पीछे का, इतना अच्छा, मतलब मानना पड़ेगा हमें डैर जाना पड़ेगा, तो दो तीन घंटे और चलना पड़ेगा गाइस, इतना चल नहीं सकते। इधर ही अपना तंबू गाड़ लेते हैं, इधर नहीं गाड़ेंगे, उसका वेट कर लेते हैं इधर ही, वेट वो नीचे से आएगा, नीचे से आएगा या ऊपर चले फिर। गाइस ऊपर के लिए चलते हैं, ये देखो इलाका, इस साइड का मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पे इलाका तो बहुत प्लेन है, दिल कर रहा है इधर ही सो जाऊं, मैं इतना थका हुआ हूँ, मैं दिल कर रहा है इधर ही सो जाऊं, बिस्तरा की जरूरत नहीं है, बिस्तरा लगा हुआ है, बस एक पिल्लो चाहिए, एक रजाई चाहिए ओढ़ने के लिए। गाइस ऊपर चलते हैं, इसको भी दर्द होनी शुरू हो गई है, ऊपर चलता हूँ, यहाँ से वीडियो कर देता हूँ बंद, क्योंकि आगे चढ़ाई है, चढ़ाई में वीडियो नहीं बना सकता, फोन गिर जाएगा, देने के देने पड़ जाएंगे। गाइस ऊपर जाके फिर वीडियो। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम रतन शाह पीर बाबा, और ये भी हमारे पीछे पीछे चढ़ के आ गया, तो चलते हैं वहाँ पे, वहाँ की आपको सारी वीडियोस क्लिप, तो आगे चलते हैं। कहाँ गया था, बॉल मिली, दिखा जरा। गाइस खेलने के लिए लेदर की बॉल लाई हमने, जंपर यहाँ चलती नहीं है,
कॉस्को की यहाँ टिकती नहीं है, यहाँ चलती है तो सिर्फ लेदर, लेदर का बैट भी है, लेदर की बॉल भी है हमारे पास। टच किया गाइस, यहाँ पे आते कुछ अलग सा सुकून मिलता है दिल को। हवा है यहाँ पे, जन्नत की हवा है। अगर आपको जन्नत, आपको देखना जन्नत क्या होती है, आप इधर आओ, इधर से एक रास्ता है, गाड़ी आती है इधर से, पर थोड़ी पीछे तक गाड़ी आती है, यहाँ से आगे आपको पैदल आना पड़ेगा। गाइस ये देखो जन्नत, गाइस जन्नत है इधर, जन्नत। चलते हैं आगे, आपको जो चीज दिखाना है। गाइस ये देखो गुफा, मैं आ गया हूँ रतन शाह पीर। ये रतन शाह पीर की ज़ायरत, आप उसको देख सकते हैं। बाहर से मैं आपको क्लिप दिखा दी है, ये अंदर की क्लिप है, यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हैं, बस यहाँ पे बैठ के दुआ करते हैं, यहाँ पे बैठ के दुआ करते हैं और यहाँ पे नया चढ़ाते हैं। ये इस जगह पर नया चढ़ाया जाता है, यहाँ पर, यहाँ पे खोल के अंदर खुलता भी है। आपको मैं अंदर की चीज दिखाता हूँ, पहले सब अंदर की चीज देख सकते हैं। तो गाइज आपने अंदर की भी देख ली, अंदर से कैसा दिखता है और बाहर से भी आपको मैंने दिखा दिया, आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। मैंने फ्रंट का दिखाया, आपको बैक साइड का भी दिखाता हूँ। ये मस्जिद भी है यहाँ पे, इसके आपको क्लिप भी मैंने दिखाई। ये मस्जिद है, ये ज़ायरत है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। बस गाइज मैं नया चढ़ा के फिर आपको आगे से क्लिप स्टार्ट करता हूँ। बैक साइड से कुछ ऐसी जगह है, हम जब मैं पिछली बार आया था हम लोग इधर बैठे थे, इधर हम सब बैठे थे, और अभी मैं आया हूँ साथ में, ज़्यादा बंदे नहीं आए इसलिए अभी इधर ही। ये आपको बैक साइड दिखाया, आपको उस साइड से भी दिखाता हूँ। सो गाइस ये है इसके, इस साइड का हिस्सा, इसके साइड से कुछ ऐसा दिखता है। उसके यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है, इस पेड़ को, इस पेड़ ने संभाला हुआ है। गाइस ये है रतन शाह पीर, और ये है रतन शाह पीर, और ये है मस्जिद जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, और वहाँ पर बैक साइड जो इतना अच्छा लग रहा है। अब भूख लगी है और जाके खाना खाते हैं, वो लोग खाना लेके जा रहे हैं, हम भी चलते हैं उधर। गाइस इधर डर बहुत लगता है चलने में, जगह देखो कैसी है, इधर ज़रा से पैर स्लिप हुआ हो गया नीचे। गाइस यहाँ जानवर भी बहुत होते हैं, अगर इन जानवरों के हाथ हम चढ़ गए ऊपर जाना तो हमारा पक्का है फिर। गाइस आगे प्लेन है, प्लेन इलाका है, ये देखो यहाँ बैठ के हम खाना खाएंगे। यहाँ सब लोग आके इसी जगह बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि प्लेन इलाका है। गाइस हमको चलते हुए कम से कम 3 घंटे हो गए, 3 घंटे बाद हम जाके यहाँ पहुँचे हैं। क्या बताएं, बुरी हालत हो गई थी। वेटर खाना लगा फटाफट हमारा वेटर हमारा खाना लगा रहा है। वेरी गुड मेरे नौकर, मेरा वेटर है तू, मेरे वेटर ने सारा बिछा दिया। पापा नौकर बोल रहा है? बेटा पापा कैसे नहीं बोलते, सारा आ गया। गाइस यहाँ का लुक देखो कितना तगड़ा आ रहा है। गाइस क्या बताऊं,
ये रतन शापीर की जहरत, और ये आ गया पानी लेकर। तो गाइस खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। ये कभी महाराज कभी खाना निकालते नहीं, आज पहली बार खाना निकाल रहे हैं। इनकी शक्ल तो देखो, ये देखो, कभी खाना निकालता नहीं, आज निकाल रहा है। आज माँ पापा नहीं है, अच्छी बात है, काम खुद ही करना चाहिए। क्योंकि जॉब करेगा, खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। इसकी जो बीवी होगी इसको खाना बिल्कुल नहीं बना के देगी, इसको उल्टा इससे अपने पैर दबवाएगी। इसकी शक्ल देखो मुझे ऐसी लग रहा है, इसकी हरकत ही ऐसी है। रुक रुक रुक, ठंडा मत फेंक दू, फेंक दे, हार्ट बढ़ के तेरे जनाजे पे लेके जाएंगे। कैसी बातें बोलता है, इसको बूट से कूटने का दिल करता है। बूट से क्यों कोई लाए ना 40-50, मैंने बोला भाई 10 ही लाए, तो बोलता है 10 में क्या होगा, मैं यार तू खा ले तो अब हम नहीं खाएंगे। बोलता है फिर ठीक है, गाइस गिन के दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे 10 फुलके हैं। ये बोल रहे हैं मुझे पूरे 10 के 10 दे दो, बाकी तुम लोग खाओ या ना खाओ मुझे। गाइस मैंने ऐसा नहीं बोला, ये अपने से बोल रहा है कि पागल। गाइस देखो पूरा राइस भी ला रखा है, राइस भी ला रखा है हमने, तो ये पूरा भरा हुआ है, नहीं चिकन है। गाइस चिकन भी लाया क्योंकि इधर चिकन खाने का मजा कुछ और, अगर यहाँ पे एक एक बियर की बोतल मिल जाए माशाल्लाह। अभी हम टेंट लगाने वाले हैं क्योंकि इसके कपड़े उतारेंगे, हम टेंट लगाएंगे, हम बीच में रुकेंगे, इसको बाहर हम नौकरानी रखेंगे, हमारे देखभाल करेगा बाहर। गाइस वीडियो करता हूँ बंद क्योंकि अभी खाना खा रहे हैं, खाने की मैं वीडियो कभी नहीं बनाता। गाइस बंद करने का दिल तो नहीं कर रहा, करना तो पड़ेगा। गाइस खाना खाने के बाद से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ज्यादा ज्यादा एक वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। सो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से वापस, ठंड से हालत खराब हो चुकी है, हालत खराब हो गई है, ठंड से बोलने भी नहीं हो रहा है। ठंड इतनी है कि हमने अपना जैकेट भी लाया हुआ, पर जैकेट नहीं पहन रहा हूँ, जैकेट तो मैंने ऐसे रखा इसका कमन बुला ले तू।